नक्सलियों ने भासी थाना के नजदीक मुख्य सड़क पर एक ट्रक और दो यात्री बस को आग लगा दी। हिंसक आगजनी में एक आदमी की बस के अंदर जिंदा जलकर मौत हो गई। मृतक शव की शिनाख्त सतीश यादव जगदलपुर के रूप में हुई है। मृतक की पत्नी प्रियंका यादव अपने 3 वर्षीय मासूम बच्चे के साथ मदद की उम्मीद लगाए प्रशासन के पास पहुंची, मगर अब तक प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। इतना ही नहीं, जब मदद मांगने पीड़िता महिला दंतेवाड़ा कलेक्टर के पास पहुंची तो उसे वहां से भी मायूसी हाथ लगी। दरअसल नक्सली आगजनी में पहली बार नक्सलियों की क्रूरता सामने आई है। आपको बता दें कि शासन द्वारा नक्सल हिंसा पीड़ित को तत्काल 5 लाख रुपए, नौकरी, आवास और शिक्षा की व्यवस्था दी जाती है, जिसकी मांग के लिए पीड़िता भटकने को मजबूर है। आप अभी नए अधिकारियों के पास मिली अपनी समस्या को लेकर? गई थी कलेक्टर सर के पास, अभी जो है वो बोले मर गया तो मेरी क्या गलती है, नहीं मिलेगा नौकरी, सरकारी नौकरी। पर मेरे को सरकारी नौकरी चाहिए, छोटा सा बच्चा। आपको सरकारी नौकरी चाहिए? हाँ, घर भी नहीं है मेरे पास। अभी मृत्यु प्रमाण पत्र वगैरह आपको मिल गया था? आज ही मिला है। आज ही मिला है जी। तो अभी आपका जीवन यापन कैसे चलता है, कैसे आप काम कर रही हैं? अभी ऐसे लगी हूँ, वहीं पर कर रही हूँ। 8,000 मिलता है, पर कोई मैंने जैसे नहीं जाती हूँ, एक दिन का कट जाता है सैलरी, तो इसका बीमार हो जाता है या मेरे को थाना आना पड़ता है तो उसका नहीं मिलता है पैसा। क्या चाहती हैं अभी आप सरकार से? मेरे को सरकारी नौकरी मिले, घर मिले, कुछ नहीं मिला। कोई मदद नहीं मिली सरकार की तरफ से? कोई आर्थिक राशि? कुछ नहीं। कोई नौकरी? नौकरी जो पहले के सौरभ कुमार कलेक्टर सौरभ कुमार सर थे, वो ऐसे टेम्प्ररी के लिए दे दिए थे। DNA टेस्ट का रिपोर्ट आएगा तो रेगुलर हो गया। उनका आर्थिक जो स्वीकृति देते हैं उसका प्रस्ताव SP कार्यालय से आके स्वीकृत भी हो गया है, लेकिन बीच में आहरण की दिक्कत होने के कारण नहीं हो पाया है। पुनः उसका बिल लगाकर आगामी हफ्ते 10 दिन में सेंक्शन करके 5 लाख की जो स्वीकृत राशि है उन्हें प्रदाय कर दिया जाएगा। सर, जिस टाइप से पीड़ित महिला सर पढ़ी लिखी, नौकरी वगैरह का प्रावधान है क्या सर? नक्सली हिंसा से जो प्रभावित लोग हैं उसके पुनर्वास में जो भी प्रावधान शासन के द्वारा निर्धारित है उसके अनुसार ही उन्हें शासकीय सेवा में कार्य दिया जाएगा।